हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ViaNet हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बताऊंगी जिससे आप अपने दिमाग को और तेज़ कर सकते हैं। दिमाग को तेज़ करना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए ही अच्छा है। अगर हमारा दिमाग शार्प होगा तो हमारा माइंड और भी रिफ्रेश रहेगा। तो आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटियां बताऊंगी जिससे आप अपने दिमाग को और भी शार्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। टिप नंबर 1, जटामासी। जटामासी एक ऐसी औषधि है जो आपके दिमाग को तेज करने के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है। अगर आप डेली एक चम्मच जटामासी के पाउडर को एक ग्लास दूध के अंदर मिलाकर रोजाना पिएंगे तो इससे आपका दिमाग और भी तेज हो जाएगा। टिप नंबर 2, ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके दिमाग को तेज़ करने के लिए काफ़ी यूज़ करी जाती है। इसको हिंदी में एक टॉनिक के नाम से भी कहा जाता है। अगर आप डेली एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर को एक ग्लास गर्म पानी के अंदर मिक्स कर पिएंगे तो इससे आपके दिमाग को शीतलता मिलती है और आपका दिमाग ठंडा और सुफुर्ती से काम करने लगता है। चाहे तो आप इसके अंदर एक चम्मच शहद को भी मिला सकते हैं। टिप नंबर 3, दालचीनी। दालचीनी सिर्फ एक गरम मसाला ही नहीं बल्कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपके दिमाग को तेज करती है। तो आपको रात को सोने से पहले एक चुटकी भर दालचीनी पाउडर के अंदर एक चम्मच शहद को मिलाकर पीने से आपके शरीर का मानसिक तनाव दूर हो जाता है और आपका दिमाग और भी तेजी से काम करने लगता है। टिप नंबर 4, हल्दी। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इंडियन डिशेस में ज़्यादातर यूज़ करी जाती है और आपके दिमाग को और तेज़ करने के लिए हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करती है। तो आपको अपने खाने की चीज़ों में हल्दी को ज़रूर डालना है। आप चाहे तो सुबह उठकर एक ग्लास हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। इसको पीने से आपका दिमाग और तेज़ी से काम करने लगता है और आपको अल्जाइमर वाले रोग कभी भी नहीं होते। बेनिफिट्स नंबर 5, जायफल। जायफल की पत्तियां एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आपको डेली एक चम्मच जायफल पाउडर को गर्म पानी के अंदर पीना है। आप इसके अंदर आधा चम्मच शहद को मिलाकर भी पी सकते हैं। इसको पीने से अल्जाइमर यानी कि भूलने की जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। बेनिफिट्स नंबर 6, तुलसी की पत्तियाँ। बेनिफिट्स नंबर 6, तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ एक ऐसी औषधि है जो आपकी हर बीमारी को दूर करती है, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बॉडी में और आपके दिमाग में रक्त प्रवाह को और संचारित करती है। तो आपको डेली तुलसी की पत्तियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। बेनिफिट्स नंबर 7, केसर। केसर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो खाने में स्वाद के लिए तो इस्तेमाल की ही जाती है, साथ ही साथ अनिद्रा और डिप्रेशन की दवाइयों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपको भी डिप्रेशन या फिर नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है तो आपको डेली केसर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। केसर खाने से आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। तो यह सब थे दिमाग तेज करने की जड़ी बूटियाँ। अगर आपको भी अपने माइंड को और शार्प करना है तो इन जड़ी बूटियों का ज़रूर सेवन कीजिए। तो आज की इस हेल्थ वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊँगी। उसके लिए आप हमारे चैनल ViaNet हेल्थ को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू। आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाल टमाटर के जबरदस्त फायदे। आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बाजरा खाने के फायदे बताऊंगी।